केसरिया गरबा महोत्सव भंडारी पब्लिक स्कूल के इस मैदान में पिछले कई दिनों से खंडवा की जनता केसरिया गरबा महोत्सव के अंतर्गत गरबा रास में झूम रही है, नाच रही है। हमारे साथ मौजूद एक लड़की बात करते हैं, ये बताइए कि आप यहाँ जो आयोजन हो रहा है उसकी डिटेल। जय माता दी, हमें केसरिया गरबा ग्रुप से महिला मंडल की मेंबर साक्षी सोनी, जो रिंकू राठौर, कनक नेगी एंड विशु श्राव के उसमें अंडर में काम हो रहा है। स्पेशली यहाँ गर्ल्स लोगों की सेफ्टी के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे तो हर जगह गरबा मंडल में रहते हैं, पर इधर महिलाओं की स्पेशल सुरक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी कुछ आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे एंकर शालिनी तोमर है जो आपको डेली एंटरटेन करती है और आपके साथ गरबा करने भी आती है। हमारे ऑर्गेनाइजर की रितेश कपूर जी सर है और बहुत कुछ है। आप आइए यहाँ पे और गरबा का लाभ लीजिए। हमारे साथ मौजूद है इस गरबा रास के आयोजक संयोजक रितेश कपूर जी, जिनके इसी मेहनत के बदौलत ये बड़ा आयोजन संपन्न होता है। रितेश जी जी, माहेश्वरी जी, ये आयोजन हम विगत 3 वर्षों से करते आ रहे हैं। खंडवा में एक बड़े कार्यक्रम की दरकरार हम महसूस कर रहे थे और हमारा गोल्डन ग्रुप कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व रहता था, तो हमने सोचा क्यों ना एक पारिवारिक माहौल दिया जाए और हमने यहाँ पर पूर्णतः पारिवारिक माहौल देने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल पारंपरिक वेशभूषा में ही हम लोगों को गरबे करने की अनुमति दे रहे हैं और बकायदा तिलक लगाकर नाला बांधकर पूरी धार्मिक रीति रिवाज से यहाँ पर प्रवेश दे रहे हैं और बहुत ही परिवार साथ में यहाँ पे गरबा हो रहा है। कल भी हमारे यहाँ करीब 1200 लोगों ने गरबा किया और आज ये संख्या 1500 पार कर चुकी है। यानी इससे लगता है कि लोगों में गरबा को लेकर बाकी उत्साह है। ये वो दूर दल नहीं कि जब खंडवा भी बढ़वा की दर्जे पर आपको एक पंडाल दे देगा। धन्यवाद। जय श्री माता जी। गोल्डन ग्रुप और विश्वास्तर इवेंट द्वारा ये लगातार 3 वर्षों से आयोजन किया जा रहा है। इसमें शहर के बहुत सारे स्पॉन्सर है, खास करके कावेरी ग्रुप, जिनके सहयोग से और हमारे स्पॉन्सर के सहयोग से हम लोगों को एक अच्छा गरबे का आयोजन खंडवा शहर में दे पा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये पंडाल दिनों दिन छोटा पड़ता जा रहा है और हमारी इस चीज को देखते हुए हम आगे ये प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर ये पंडाल इससे जस्ट डबल करेंगे ताकि लोगों को यहाँ पे खेलने की किसी प्रकार की समस्या ना हो और वो अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाए। जय माता दी।